देखिए बहुत से चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हो चाहे पीएम मोदी हो, वो इसको कंपेयर कर रहे हैं कि एक ये वर्ल्ड वॉर टू से भी डेंजरस चीज है, क्योंकि यहां पे हमेशा डर लगा रहता था कोई केमिकल वॉरफेयर का, और न्यूक्लियर की तो बात थी लेकिन न्यूक्लियर फिर कंट्रोल था, केमिकल वॉरफेयर के ऊपर में बड़ी चिंता रहती थी। एक ये उसी हिसाब से एक महामारी का रूप लेने की इसकी कोशिश चल रही है, जिस हिसाब से ये कोरोना वायरस जो है ये यूरोप और स्पेशली जो इसका टारगेट है यूरोप और यूएस वो रहे हैं। तो इस पे कुछ लोगों का ये इस पे आइडिया आता है या कई लोगों के ये इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं या अभी इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या ये चाइना का डेलिब्रेट अटैक है उनके ऊपर, यूएस के ऊपर, क्योंकि 30-30 साल पुरानी उन्होंने कुछ इंस्टांसेस भी दिए हैं कि जहां चाइना इस बारे में सोच भी रहा था। तो इससे लगता है कि जो वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड कंट्रीज है और जो चाइना के टारगेट पे है और जिनको चाइना टारगेट करता है, तो वहां पे एक फैला है। इटली में हजारों लोग मर गए, यूके बड़ा अफेक्टेड है, इवन आपको देखिए जैसे यूएस है उसमें आपका न्यूयॉर्क सिटी है, बाकी जगह में भी जैसे 2-2 हजार लोग हैं अफेक्टेड हैं। और ये वो कंट्री है वर्ल्ड की जो पूरे में अपने मेडिकल में भी सबकी एडवांसमेंट है और सब चीजों में एडवांसमेंट है। तो इससे एक पूरा डाउट चलता है कि क्या ये चाइना का एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है वर्ल्ड को डिस्टर्ब करने का। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि चाइना के आसपास की कंट्रीज है, नॉर्थ कोरिया में कोई इफेक्ट नहीं है, साउथ कोरिया और जापान शायद वो स्टैंड पहले से तैयार लेके बैठे हैं। उसके बाद आप रशिया को देख लीजिए, रशिया में एक केस नहीं है, चाइना ने रशिया को टारगेट नहीं किया या कुछ भी हो सकता है कि उस तरफ क्यों नहीं किया। सेम रशियन रिपब्लिक है, सेम आप गल्फ की तरफ चलिए ईरान को छोड़ करके, ये यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है। इंडिया के अंदर जरूर है कि इसकी एंट्री हुई, क्या इंडिया हो सकता है टारगेट ना हो, और पाकिस्तान के अंदर इतने चाइनीज है वहां नहीं फैला, वहां पे भी जबकि जिस हिसाब से चाइना के अंदर पाकिस्तानी जो चाइना के अंदर काम कर रहे हैं वहां पे इसका अफेक्ट होना चाहिए था। तो इसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं, और मुझे लगता है कि एक बार इसको जब वर्ल्ड पूरा कंट्रोल कर लेगा इसको, उसके बाद कुछ पता चलेगा कि फैक्चुअल चीज क्या है। कुछ डाउट्स भी रहेंगे लेकिन हो सकता है कुछ क्लैरिफिकेशन भी आ जाए। आप दूसरी बात देखिए, जब चाइना के अंदर कोरोना वायरस आया, चाइना को चाहिए था, जब ऐसी सिचुएशन आई तो चाइना को सब लोगों को रोकना चाहिए था, इंस्टेंट चाइना ने सबको भेजना शुरू कर दिया, अपने वहां चाइना ने कंट्रोल कर लिया, चाइना ने कहा हमारे पास मास्क नहीं है, मेडिसिन नहीं है। इंडिया ऐसी कंट्री है जिसने चाइना को मास्क भी भेजे और साथ में मेडिसिन भी भेजी, फर्स्ट था इंडिया इस चीज में, और बाकी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री किसी की हेल्प करने को नहीं है। तो उसमें जिस हिसाब से ये आके इसका जो आगे हुआ, चाइना ने ऐसा लगता है कि चाइना ने जानबूझ के दिखाया कि हमारी इनकैपेबिलिटी थी इसको डील करने की, लेकिन बहुत जल्दी उसने कंट्रोल भी कर लिया। लेकिन हाँ, चाइना के पास दूसरे भी इश्यूज हैं, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जहां पे ट्रीटमेंट अगर नहीं होगा तो चाइना गोली मार देगा, और उसको और ये भी कहने में आया कि हजारों लोगों को गोली मार के दफना दिया है। लेकिन एक कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड है, उस क्वेश्चंस का यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट ने भी कुछ डाउट क्रिएट किया है। अगर ये ऐसी बात हो चाइना की तो हमको एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी से डील करना पड़ेगा चाइना से, और चाइना के साथ साथ एक जो साथ साथ हमको वो भी देखना पड़ेगा वर्ल्ड में और कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। आज इंडिया का भी चाइना से ट्रेड बैलेंस $60 बिलियन का है, डेफिसिट में है। तो इंडिया के लोगों को इसमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या चाइनीज चीजें यहां पे यूज करें, जबकि आज इंडिया में बहुत सी चीजें बननी भी शुरू हो गई हैं और आज हमारा चाइना से एक हिसाब से इम्पोर्ट जो है काफी हद तक रुक गया है। तो इसके ऊपर हमको भी सोचना पड़ेगा, वर्ल्ड को भी सोचना पड़ेगा, और एक वर्ल्ड को पूरे से मिलकर के डील करने के लिए इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। चलिए, जिस तरीके से मोदी जी इंडिया के ऊपर और पूरे देशों से जिस तरीके से संपर्क में हैं और सभी देशों से मिलजुल के ये कर रहे हैं और जो भी जनता भी है इनके समर्थन में, तो हम चाहेंगे कि आप मोदी जी के जो ये कार्य प्रणाली के बारे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जिन्होंने अपने जो सार्क कंट्रीज के ऊपर मैसेज दिया कि हम आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारी जो आसपास की कंट्रीज हैं, चाहे अफगानिस्तान लगा लीजिए, भूटान लगा लीजिए, नेपाल लगा लीजिए, श्रीलंका, मालदीव और वगैरह जितनी भी ये कंट्रीज हैं, म्यांमार, ये कंट्रीज इनकैपेबल है किसी सिचुएशन को डील करने के। छोटी कंट्रीज हैं, बैकवर्ड कंट्रीज हैं। तो अगर मोदी साहब ने उनको सपोर्ट करने का दिया है तो मेरे ख्याल ये लोगों को भी याद रखना चाहिए कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर इंडिया में है जो उनके बारे में भी सोचता है और अपने नेबर्स के बारे में भी और इंडिया के बारे में भी सोचता है। और जैसे पीएम मोदी ने ये जो किया, उन्होंने G20 के अंदर भी अपील की कि G20 वाले भी जो है इसके ऊपर हम एक करके कुछ काम करें, $10 बिलियन सार्क कंट्रीज को लिए। और जिस हिसाब से इन्होंने इस सिचुएशन को डील करने के लिए काम किया है, एक वर्ल्ड उसको अप्रिशिएट कर रहा है, पूरा वर्ल्ड उसको अप्रिशिएट कर रहा है पीएम मोदी को। और जैसे पीएम मोदी का भी जैसे जनता कर्फ्यू का इन्होंने अपील की लोगों से, और जैसे लोगों को उनको रिस्पॉन्स था मार्वलस। मुझे नहीं लगता कि हमारे कंट्री में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया होगा
जो पूरे समर्पित है पूरे देश के लिए, अपना 100% देते हैं, बल्कि 200% देश को दे रहा है। और यहाँ पे हर एक देश की जनता, जो चाहे किसी भी धर्म की हो, उनको जैसे उन्होंने समर्पित किया है, एक मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ी एक चीज है। और एक बात और ख्याल रखिए कि जब भी ऐसी कोई वार्ता आती है, और इन्होंने, मेरे को लगता है कि हमने शायद इंडिया ने कुछ इनिशियल स्टेज पे इसको रोकने की तैयारी कर ली, ताकि हमारे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन ना आए जो इटली या बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आई है। और अगर हम इसको फर्स्ट स्टेज पे रोक लेंगे, जैसे मोदी साहब ने कहा कि सेकंड स्टेज में अगर इसको नहीं हम क्रॉस करने देंगे, तो हो सकता है कि हमारे पास देश के अंदर जो है ना बहुत से लोगों की जान बच पाए। और तीसरी जो चीज है, एक हमको इससे सबक मिलता है, सबक ये मिलता है कि हमको इस देखा जाए कि ये जो एक सिचुएशन आई है, अगर फ्यूचर में भी लोग बात करते थे न्यूक्लियर की वार की बात करते थे या केमिकल वॉरफेयर की बात करते थे, तो उसके अंदर डील करने की हमारी जो प्रिपेयरनेस उसकी तरफ है, उससे हमें बड़ा फायदा होगा। क्योंकि आप देखिए, इंडिया जो है दुश्मनों से घिरा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, तो उसके बावजूद जो ये चीजें जो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से किया है, एक तो हेल्थ मिनिस्ट्री को पूरा और हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन को पूरा मुबारकबाद देनी पड़ेगी, और पीएम मोदी के साथ साथ जो होम मिनिस्टर और बाकी भी लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने इसको डील किया है, और उसके लिए तो बेसिकली मुझे लगता है कि सारे इंडेप्टेड रहेंगे। लेकिन मैं दूसरी बात और कहूंगा, एक बार इसको डील करने दीजिए, उसके बाद आपको राहुल गांधी की स्टेटमेंट देखनी है। राहुल गांधी की स्टेटमेंट आएगी कि मोदी ने कोरोना वायरस फैला करके लोगों की संपत्ति बर्बाद कर दी, लोगों की, इतने लोग मर गए उनको बर्बाद कर दिया, और इतने लोग जो हैं यहां से अनएम्प्लॉयड कर दिए और हमारी इकोनॉमी खराब कर दी। तैयार रहिए, इनके साथ रवीश कुमार भी इकट्ठे होंगे राहुल गांधी के साथ, उसको भी सुनने को तैयार रहिए नियर फ्यूचर में। चलिए, जिस तरीके से सेंटर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि वो भी अपने स्टेट के अंदर सख्ती से कार्रवाई करें, सख्ती से इसका आदेश का पालन करें, जहां देखा जा रहा है जैसे दूसरे स्टेट भी इसको पालन कर रहे हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ऐसे ही दिल्ली भी क्षेत्र है, दिल्ली में देखा जा रहा है कहीं ना कहीं इसमें केजरीवाल भी अब खुल के सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने एक्शन में आए हैं, क्या लगता है इसमें? जी, मुझे तो लगता है कि पहले केजरीवाल के बारे में कहूंगा कि केजरीवाल वो आदमी है जिसने सेकंड टेन्योर में, जिसके यहां पे दिल्ली में दंगे हुए, हिंदुओं को और सिखों की दुकानें जलाई गई, उनके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, 52 लोगों की जान ली गई, और उसमें इसके लोग, पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, और जो लोगों की जो इसकी सुई जो जाती है, इसका जो शक जाता है केजरीवाल की तरफ भी जाता है, जिसमें कुछ हिंदू मुसलमान भी मारे गए, और शायद वो इसलिए मारे गए कि उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। लेकिन मुझे जो केजरीवाल की जो मैं देख रहा था उस टाइम पे, जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके साथ एलजी बैठे हुए थे, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे केजरीवाल से जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल को जबरदस्ती इस चीज पे क्या कहा गया, और उस तब उसने काम करने को है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि इन्होंने इसको डील करना है, अगर कोई नहीं कॉपरेट करेगा तो सेंट्रल को पता है हमें कैसे काम करना है। इस चीज में पीए हमारी गवर्नमेंट है पूरी सख्त है। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है, उसने डेलिबरेटली वहां टीचर्स को सैटरडे को अपने संडे को स्कूलों में बुलाया किसी बहाने से, ताकि किस न किस तरीके से वो इसको अपोज कर सके। ऐसे ऐसे हमारे लोग के यहां बैठे हैं चीफ मिनिस्टर गद्दियों पे, जो शर्म आनी चाहिए जिनको, और देश को भी उनसे शर्म आती है कि ना उनको देश से मतलब है, उनको एक पॉलिटिक्स खेलने से मतलब है, देश को अपोज करने से मतलब है, देश का जो बेसिक जो सिक्योरिटी है लोगों की, उसको मजाक उड़ाने का काम है कि आप गद्दे बैठे हम सेफ रहे, बाकी कोई जले मरे जो मर्जी हो। जिस तरीके से पूरा देश जो है कोरोना वायरस की चपेट में आ रहा है, इसको सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं और समर्थन में लग रहे हैं, लेकिन वहीं पे देश का एक हिस्सा है जहां दिल्ली, जहां पे एक शाहीन बाग है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, हम चाहेंगे उसके बारे में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो ओपन कह दिया है कि हमारे देश में कोरोना वायरस है, हम उससे नहीं लड़ेंगे, और हमें उससे ना हमारे पास कैपेसिटी है लड़ने की, तो उसने तो अपने लोगों को कह दिया नहीं, हम मतलब जो जियो मरो जो मर्जी जाओ। और ये जो यहां बैठे हैं शाहीन बाग वाले, इनकी लॉयल्टी इस देश से नहीं है, इनकी लॉयल्टी पाकिस्तान से है, तो ये पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं, और एक अफसोस ये आता है कि इसको कुछ पॉलिटिशियन सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको गवर्नमेंट को भी, मैंने पहले भी कहा कि ये जो लोग हैं जिहादी लोग हैं, इनको डील करने के लिए गवर्नमेंट को फॉर्मली चलना चाहिए। अगर ये कांटा फंसा हुआ है, और मैं समझता हूं गवर्नमेंट को अपना डिसीजन लेना चाहिए कि अपने आप लेगी डिसीजन कि उनको अभी ठीक टाइम है कि नहीं है, तो इनको जैसे भी डील किया जाए, और अगर इनको धरने पर बैठना है, पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन इस टाइप के अलाउड नहीं हो सकती, एक वॉर लाइक सिचुएशन है कंट्री के अंदर, इनको अगर बैठना है तो इनको उठा करके बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दे, सबसे अच्छी जगह रहेगी, तो इनको वहां से खाना पीना मिल जाएगा। अगर मैं एक और बात कहता हूं कि अगर ये लोग बैठ रहे हैं, तो किसी गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि किसी भी तरीके से इनका बिजली पानी काट दिया जाए। अभी मैं देख रहा था कि कोई प्रोटेस्ट हो रहे थे यूपी के अंदर, उसमें लोग प्रोटेस्ट पे जा रहे थे, और साथ में उनको खाने पीने का अरेंजमेंट किया जा रहा था, तो पुलिस ने वो खाने पीने की वैन को जब्त कर लिया योगी गवर्नमेंट के।
तो यहां पे भी गवर्नमेंट को एक ऐसा सख्त कदम उठाना चाहिएगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि मोदी साहब जो है बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक देश को, एक हमारे देश को एक ऐसा आदमी मिला है डील करने के लिए जो देवता टाइप आदमी है, लेकिन इन लोगों के लिए देवता के स्वरूप से नहीं चला जाएगा जहां तक मैं सोचता हूं। इनको डील करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए सख्त कदम उठाने के लिए, क्योंकि ये लोगों की वजह से हमारे बाकी लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है और एक देश को, एक देश के लोगों को एक गलत मैसेज